हे गाइस, जय हिंद। मैं हूँ संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FCI AGM टेक्निकल के स्पेशल पार्ट के बारे में, जो कि पार्ट नंबर 5 रहने वाला है, जिसमें हम FCI से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें और इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सेशन के साथ जुड़ सकें। बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो फर्स्ट में बात हो रही है, ड्यू टू टिलेज इन सोयल, बल्क डेंसिटी ऑफ सोयल, यानी कि जो टिलेज यानी भूपरिष्करण करने से जो बल्क डेंसिटी होती है, उस पर क्या फ़र्क होता है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या फिर इंक्रीज डिक्रीज दोनों होती है या नहीं होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में इसको एज इट इज़ पूछा गया है। यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आंसर होगा डिक्रीज, यानी कि टिलेज करने से जो बल्क डेंसिटी होती है सोयल की, वो डिक्रीज होती है। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, सीड ड्रिल एंड हॉर्स हो वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जेथ्रो टूल, जो कि आपको याद रखना है कि सीड ड्रिल और हॉर्स हो इनको जो है जेथ्रो टूल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पर बात हो रही है फैलो टिलेज एंड क्लीन प्लेज और टुगेदर नोन एज, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पर होगा मल्च टिलेज, नया क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बात हो रही है, अ बायोकेमिकल प्रोसेस इज विच फाइबर प्लांट लाइक शन हेम्प जूट एसेट्रा आर केप्ट इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज टू सफर द फाइबर एंड ईजली रिपीट इट आउट फ्रॉम द स्टॉक नोन एज। ये प्रोसेस जो है, यानी कि शन हेम्प या फिर जूट का जो स्टेम होता है, उसको क्या करते हैं, हम पानी में छोड़ देते हैं, जिससे उनके जो तना है, स्टेम है, उस पर जो फाइबर है वो ढीला हो जाए। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये सिंपल भाषा में पूछ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो आंसर होगा यहाँ पर रेटिंग, जो कि आपको याद रखना है एक क्वेश्चन। और दूसरा आपको याद रखना है, ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रेटिंग प्रोसेस होती है वो किस टाइप की प्रोसेस होती है, तो आगे हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, रेटिंग इज दी डैश प्रोसेस, किस टाइप की प्रोसेस है, तो अभी यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आंसर होगा यहाँ पे बायोकेमिकल ये प्रोसेस है, जो कि आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। आगे बात करें, नीलम हीरा मुक्ता एंड K2 आर दी वेराइटीज ऑफ, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पर होगा लिनसीड, तो आपको याद रखना है ये जो है लिनसीड की वेराइटी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, द पॉलिश परसेंटेज इन पैडी, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर राइट आंसर होगा 2%, यानी कि 2%। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बात हो रही है, इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड सरफेस अंडर द ग्रेविटी फ्लो विच रिजल्ट इन सीरीज ऑफ ऑन एंड ऑफ मोड फोर कॉन्स्टेंट और वेरिएबल टाइम स्पान मेथड नोन, तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सर्ज मेथड, ये एक मेथड के बारे में पूछ रहा था, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा सर्ज मेथड। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोयल जनरली अकर इन सैचुरेटेड सोयल, ये भी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर राइट आंसर आप सब लोग जानते हैं, राइट आंसर यहाँ पर होगा परकोलेशन, जो कि आपको याद रखना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बात हो रही है, वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन टू ब्रिंग अ क्रॉप टू मैच्योरिटी नोन एज, ये एक डेफिनेशन पूछ रहा है। और यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आंसर होगा यहाँ पर ड्यूटी ऑफ वाटर, यानी कि एक वॉल्यूम की बात करें, एक क्वांटिटी की बात करें पानी की, जो कि ज़रूरत होती है क्रॉप को
फसल की मैच्योरिटी तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ड्यूटी ऑफ बार्टर। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन बनता है जो कि आपको याद रखना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्री मंत्रा ने UPSC प्री और मेंस का कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप अभी भी UPSC एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एग्री मंत्रा का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 में बात हो रही है हिस्टोसोल्स आर कॉल्ड डैश सोयल। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, आंसर होगा यहाँ पर हिस्टोसोल को हम ऑर्गेनिक सोयल के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ें, बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बात हो रही है पोटैश कंटेंट इन पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। सब लोग जानते हैं, आंसर होगा यहाँ पर 44%। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बात हो रही है एनर्जी स्टोरेज प्लांट न्यूट्रिएंट्स, उन न्यूट्रिएंट्स का हमको यहाँ पर नाम बताना है, और आंसर होगा यहाँ पर कार्बन एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, यानी कि आंसर यहाँ पर होगा ऑल ऑफ दीज। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यहाँ पर बात हो रही है 1:1 क्ले मिनरल्स आर, यानी कि 1:1 चिकने खनिज, इनको हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आंसर होगा यहाँ पर केओलिनाइट, हेलोसाइट, डिकाइट, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑल ऑफ दीज। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहाँ पर बात हो रही है अकॉर्डिंग टू USDA साइज ऑफ सिल्ट, यानी कि ये एजेंसी है, एक इंस्टीट्यूट है ये USDA, इसके हिसाब से जो सिल्ट है 3 पार्टिकल होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये इनके साइज़ के हिसाब से ये इनको कैटेगराइज किया जाता है। और इनके साइज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन हर एक परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है सिल्ट का साइज़ पूछ रहा है जो होगा 0.002 से लेके 0.05 mm के बीच में, ये जो है सिल्ट का साइज़ होगा। और अगर हम यहाँ पर किले के साइज़ की बात करते तो वो होता लेस देन 0.002 mm। तो आपको इसको याद रखना है, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो ये आंसर होगा यहाँ पर सी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहाँ पर बात हो रही है पैकेज प्रोग्राम अनदर नेम ऑफ, यानी कि जो पैकेज प्रोग्राम किसका दूसरा नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है, आपकी परीक्षा के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर होगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं IADP के नाम से भी हम इसको जानते हैं। बहुत से स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट और डेवलपमेंट में कन्फ्यूज होते हैं, और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पर डेवलपमेंट भी दे रखा है, जो कि आप गलत कर सकते हैं। तो आपको सिंपली याद रखना है कि अगर पैकेज प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो ये होगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यहाँ पर होता है। कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है ये, और कई बार परीक्षा में भी इसको पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 में बात हो रही है बास्टर एंड बैनर स्कीम स्टार्टेड बाय, यानी कि जो बास्टर और बैनर स्कीम है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा डेनियल बैनर के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी, जो कि आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, यहाँ पर बात हो रही है स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन ओनली अंडर सरफेस ऑफ लीव। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा एप्पल एंड मलबेरी टाइप की स्टोमेटा इनमें पाए जाते हैं, मतलब ये स्टोमेटा का टाइप है। जो लीफ का सरफेस होता है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस में जो स्टोमेटा का प्रेजेंस होती है उसके हिसाब से इनको क्लासीफाई किया जाता है। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा एप्पल एंड मलबेरी टाइप, यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 में बात हो रही है हैज एंड स्लैक पाथवे इज, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा
वो होगा C4 साइकिल को हम हैच एंड स्लैक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में बात हो रही है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लिविंग एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो सब लोग आप जानते हैं आंसर होगा यहाँ पर ट्रांसपिरेशन। ये जो है ट्रांसपिरेशन की ही डेफिनेशन है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना है, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा चैनल पर नए थे तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक एग्री मंत्रा के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।